नमस्कार, क्राइम ब्रोस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरो शाही नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हलवा खाने से बच्चों की हालत गंभीर। जनपद सिद्धार्थ नगर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सुबह भोजन के बाद 8 बच्चों की हालत गंभीर हुई, जिससे बच्चों को सांस फूलने की बीमारी लगी। गंभीर बच्चों के इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौरभगढ़ में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक देखकर चिकित्सालय सिद्धार्थ नगर रेफर कर दिया गया। मौके पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर राम सिंह मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि इनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौरभगढ़ में चल रहा था। हालत गंभीर देखते हुए पूना एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय सिद्धार्थ नगर लाया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। कहां से गई है, मैं 108 से लगातार मैं बात कर रहा हूं और कम से कम 8 काले मैं कर चुका हूं और बढ़नी तक से एम्बुलेंस कलेक्ट की जा रही है। तो अभी तो एक एम्बुलेंस मैं वापस लेके आ रहा था, तो रास्ते में एक एम्बुलेंस जा रही है, वो भी पूछ रही है, सौरभगढ़ कह रहे मैं लेके आ रहा हूँ। सर, जिले की बहुत बड़ी घटना है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके विषय में मैंने एक त्रिस्तरीय समिति बना दिया है और इसकी जाँच करेगी घटना की। मैंने अपने विभागीय एक कमेटी बना दिया है, जिसमें दो खंड शिक्षा अधिकारी और एक जिला समन्वयक कस्तूरबा बालिका, जिनकी समिति बनाई है। सर, नाम बता दें। खंड शिक्षा अधिकारी नौगढ़ श्रीमती सीमा पांडे और खंड शिक्षा अधिकारी सौरभगढ़ श्रीमती रीता गुप्ता और खंड हमारे जो जिला समन्वयक बालिका शिक्षा श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव, ये तीनों लोग जाँच अधिकारी मैंने इनको बनाया है और समिति गठित किया है, जो 3 दिन के अंदर मुझे जांच करके तुरंत रिपोर्ट देगी और जो भी अगर दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं डॉक्टर का कहना है कि बच्चों को पुरानी सूजी खिलाने के कारण ऐसा हुआ है, जिससे बच्चों में सांस फूलने और बेहोशी की हालत बनी है। इनकी हालत क्या है और कौन सा ऐसा रोग है कि जिससे बेहोश हो जा रही है, क्या खाने के बाद ऐसा होता है? जी, ये हिस्ट्री है, ये लोग हलवा खाए हैं और हलवा खाने के बाद इन लोगों को थोड़ा सा वोमिटिंग और कन्वर्जन हुआ है और इस समय पोजीशन लगभग ठीक है। ये PSC से मैनेज होकर के आए हैं, यहाँ हम लोग मैनेज भी कर रहे हैं। जो ऐसा क्यों होता है? ये कभी कभी अगर जो उसका सूजी है अगर पुराना है, कुछ इस वजह से भी हो सकता है। सर, एक साथ लगभग 1 दर्जन से कम लड़कियाँ बीमार हुई हैं। जी, तो इसमें खान पान का क्या असर है? खान पान का ही असर लग रहा है, जैसा कि हिस्ट्री लोग बता रहे हैं, तो ये विद्यालय के जो अध्यापक हैं उसे यही लग रहा है। और अब इस समय थोड़ा सा कुछ कन्वर्जन रिजेक्शन भी जो होता है, जिसको हिस्ट्रिया बोलते हैं, उसका भी थोड़ा असर है बच्चे। और जो सांस की दिक्कतें आ रही हैं, हाँ, उसी की वजह से ही है। सिद्धार्थ नगर से संतोष गुप्ता की एक रिपोर्ट।